और पार्टी के लिहाज से एक कारकुन भी हूँ, एक वर्कर भी हूँ, और साथ भी एक सीनियर जिम्मेदारियों पे भी रहा हूँ। एक पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना, खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है, और वो इंशाल्लाह ताला जो है ना, तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना, हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, और मतलब जिसमें हर बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना, आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे पूरी मुल्क में। इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना, रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना, वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इन इवन जो जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं, उनके साथ, एएनपी के साथ, आफ्ताब शेरपाओ की जो पार्टी है कोबी वतन पार्टी, और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएँ, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है, और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं, तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क पर एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से राबिता करूँगा, और इसके हवाले से जो है ना, मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं मिनिस्टर सैफ साहब को भी कहूँगा, अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला, जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर की के उहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामज़द करने का कहा है, और वो नामज़द हो गए हैं। इंशाल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमरीका का जो फ़र्ज़ बनता है, वो फ़र्ज़ अमरीका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं, और खान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों को हुक्मरान बनवाया है और उनको सपोर्ट किया है। करप्ट से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों को लूटा और उसके बाद अपनी दौलत बाहर मुंतकिल की और उनके बैंकों में रखवाई। ऐसे लोगों को हमेशा इक्तदार में सपोर्ट करके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की तोहीन की गई। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है
कि अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली दंगलियों पर नज़र रखे और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनसे कहे अपना असर रसूख इस्तेमाल करें कि वो इसका सदबाब करें, क्योंकि ये जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के साथ धोखा है। और अमेरिका जो जमहूरियत का चैम्पियन बना रहता है पूरी दुनिया में और जमहूरियत के इस्तेहकाम के दावे करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि इलेक्शन गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से पैगाम था और ये मैं उनकी वसादत से, आपकी वसादत से, अमेरिका और उनके जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के मामलों में हमेशा बयानबाजी करते हैं, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये दो बातें मेरी तरफ से थी। आकिबुल्ला साहब हमारे इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर होंगे और अमेरिका के लिए पैगाम। बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली और वफाक में स्पीकर और पंजाब असेंबली में वज़ीर-ए-आला पंजाब का नाम किसके आगे? नहीं, अभी तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। जो मैंने बात की ये हमारे असद कैसर साहब, खबर ये थी कि आप या तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई खैर से गाली पैगाम लेकर आए हैं कि खान साहब को मनाएं और ताकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर आप जो है खान साहब के पास आए, वो जरा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी, चूँकि आपको पता है खान साहब के साथ मेरे 29 साल की रफाकत है। मैंने सेशन कोर्ट से इजाज़त कोशिश की तो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट से मैंने कल रेट करवाया है और उसके ज़रिए मुझे इजाज़त मिली है। वो हाई कोर्ट के आर्डर पे मुझे इजाज़त मिली है। मैडम जो है ना मेरी लायर थी और उसने मेहरबानी की है, तो ऐसी कोई नहीं थी। मैंने जनरल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है मैंने खान साहब के सामने रखी, उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कम्युनिकेट की और बाकी जो बातें हैं कुछ वो मैंने अपनी बाकी लीडरशिप से भी डिस्कस की है। तो इस वक्त जो बातें हमने की है यही हमारे पास अप्रूवल है और बाकी जो इलेक्शन हुआ है ये आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है और पहली दफ़ा इतने कुले दड़े और बगैर किसी शर्म के दांडी की गई है और इस किस्म की दांडी को न कोई मानेगा न कोई एक्सेप्ट करेगा और इस हुकूमत की कोई से नहीं होगी। न पाकिस्तानी आवाम के मसाइले हल कर सकते हैं, न दुनिया में ये अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप लोग जो है वो बार बार ये कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार सारे आपके हैं, तो आप अपनी पावर शो करने के लिए और ये शो करने के लिए कि सारे आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुला रहे जिसमें ये चीज़ें वाजे हों? दूसरा, आप ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन है और आप इसके खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे, तो आप इस तारीख के रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ बतौर एहतजाज जो आपके MNAs आपके साथ हैं उनसे रिज़ाइन का ऐलान क्यों नहीं करवाते? नहीं, हम किसी शोर पर रिज़ाइन नहीं करवाएंगे। हम असेंबली में बैठेंगे, अपना कानूनी जंग भी लड़ेंगे और आवाम में भी जाएंगे। और साथ जो आपने कहा कि पार्लिमानी पार्टी, इंशाल्लाह अभी अनाउंसमेंट हो गया है, मशवरा कर रहे हैं, एक दो दिन में हम पार्लिमानी पार्टी की इजलास बुला देंगे। असद कैसर साहब, आप उस सेटअप का हिस्सा थे जिसमें खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, आज ये पता चल रहा है कि खान साहब फिर अमरीका की जानिब देख रहे हैं कि वो आगे बढ़े, उनको जो रिलीफ नहीं मिल सका इंतखाबात में वो एहतजाज की सूरत में बैरिस्टर साहब सामने गुजारे, क्या फिर यू टर्न? नहीं नहीं, ये देखे हमने, देखो ये तो जमहूरियत की चैम्पियन है, पूरी दुनिया में जमहूरियत का राप अलापते हैं, यह इतना जो बहुत बड़ा दांदली दांदला हुआ है उसके ऊपर अगर यूरोप और वो जो है ना चुप साधी हुए, हम तो उसको उसकी जो जो जिम्मेदारी वो याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। अमरीका को दावत नहीं दी है, हमने अपना कंसर्न शो किया, इसमें फ़र्क है। हमने कंसर्न शो किया है कि ये एक जमहूरी मुल्क है जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, जमहूरियत की चैम्पियन और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार कहती है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ जमहूरी जो बुनियादी हक है आवाम का उसको चोरी हो रहा है और उस पर खामोश है, हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। हमने एक मिनट मेरी बात ज़रा ये मुकम्मल कर दूँ। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, तो ये हमारा रद्द अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मज़ीद बात करनी चाहिए। ये जो
कॉस्मेटिक किस्म का बयान है, इससे काम नहीं चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या करें, क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती यार। इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपके मीडिया ने उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए और इस मसले का हल निकालें। एक तरफ तो आपके तहफात भी हैं, इंतखाबात के जो नतज हैं इन पर, और दूसरी तरफ आप ये इल्जाम भी आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आपके लोग जीते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर उनसे रिजाइन करवाएं, रिजाइन करवा के फिर आप अपनी तहरीक का ऐलान करें। एक तरफ आप अपनी तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदों से आप रिजाइन भी नहीं करवा रहे, तहफात का भी इजहार कर रहे हैं, फिर आप जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे भी आप मुतालबा कर रहे हैं, अपनी अफलिया से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं और जो कंपनी के लोगों से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने एक चीज़ को देखे, हमें एक ये लंबी जदोजहद है। हम सिर्फ इस मुल्क पे कानून क्यों बनाने चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो। ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इसका नोटिस ले और वो जो आवाम ने जिसको वो डाला है उनका हक है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। अगर एक जाली यानी एक आदमी को उसने 38,000 वोट लिए और उनके साथ 1,00,000 का, और इस पर इंटरेस्टिंग बात ये कि फार्म 45 में एक रिजल्ट है और उधर जो है ना 47 में चेंज की गई हैं, यानी उन्होंने मेहनत भी नहीं की, यानी इतनी दड़े सी और इतनी जरूरत सी की है कि बस उसको ज़रूरत भी नहीं, बस उसमें फिक्र चेंज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस किस्म की इलेक्शन कभी आपने देखा है? ना हमें जलसे करने दिया गया, ना हमारी जो जो कैंडिडेट है उसको तंग किया, गिरफ्तार किया गया, और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल ज़्यादती है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाजन हम असम्बली में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना नुकता दर पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमा इस्लामी, जमत उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बलोचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ रबता करेंगे और कोशिश करेंगे कि है जो इस वक्त सिलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौके पा जाए। खान साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नज़र नहीं आ रही है, इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेगी मुश्तरका तौर पर, तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? वोलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताए ना, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत मेहरबानी सर। साहब, अली अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया बानी पीडीए की जानिब से, और इत्तला थी कि आप गालबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KP के लगें, तो क्या ये भी तहफात का इजहार किया आपने? नहीं, देखिए हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है अपने मन उसको तस्लीम करना। थैंक यू।